तो दोस्तों इस वक्त मैं टॉनबो इमेजिंग के स्टॉल पर खड़ा हूँ और टॉनबो इमेजिंग खास करके कई तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही है इंडियन आर्म फोर्स के लिए, और क्या क्या चीज़ें उन्होंने इस वक्त बनाई हैं, खास करके जो हमारी स्नाइपर राइफल्स हैं, इसके अलावा जो भी राइफल का इस्तेमाल इंडियन आर्मी कर रही है उनके लिए जो साइट्स बनाई हैं उसके बारे में हमें टॉनबो इमेजिंग के ही जो व्यक्ति हैं वही बताएंगे। सर, व्हाट्स योर गुड नेम? राजेश। तो राजेश जी, वन बाय वन आप हमें पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। हाँ श्योर सर, सबसे पहले जो हमने जहाँ पे साइड लगा रखी है, जो वेपन है साकू TRG-42 अर्जन फिनलैंड, इसके ऊपर जो हमने साइड लगाई है, देखो आप देखेंगे इसमें डबल साइड हमने लगा रखी है, एक डे स्कोप प्लस एक नाइट साइड। तो इस दोनों का कॉम्बो करने के बाद हम इसको बोलते हैं क्लिप ऑन साइड। तो डे स्कोप का एम ले सकते करके हम फायर कर सकते हैं डे के अंदर, लेकिन नाइट में फायर करने के लिए हमें एक नाइट साइड की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमने एक थर्मल इमेजर कैमरा या साइड बोल सकते हैं जो इसके ऊपर प्लेस की हुई है, इससे हम रात को इजीली टारगेट को एंगेज कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट हमारे पास ये है जेंटू, इसको हम मोस्टली ड्यूरिंग सर्वेलेंस यूज करते हैं। इसके अंदर लेजर रेंज फाइंडर है, इमेज ले सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, GPS है इसके अंदर प्लस कंपास है इसके अंदर। तो मोस्टली ज़्यादातर हम इसको वेपन माउंट भी कर सकते हैं और ड्यूरिंग सर्वेलेंस भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जहाँ पे एक और साइड है हमारे पास जो हमने सिक राइफल पे लगा रखी है, इसका नाम है अर्जुन MR, ये मीडियम रेंज के लिए हम इसको सिक के ऊपर, उसके बाद इंसास LMG पे लगा सकते हैं और पीका के ऊपर लगा सकते हैं। मीडियम रेंज के लिए बहुत ही बेस्ट थर्मल साइड है ये। एंड द नेक्स्ट इज दिस इज स्पार्टन, ये क्लोज बैटल फाइट के लिए हम इसको यूज करते हैं अप टू 200 मीटर फायर करने के लिए, जो बेस्ट साइड है जी, लाइट वेट है, इजी टू ऑपरेट है। तो जी आप इसको टाइबोर पे लगा सकते हो, M4 पे लगा सकते हो और AK-47 पे यूज़ करके नाइट में फायर कर सकते हो जी। ऑल वेदर में काम करेगा, वेदर का कोई इफेक्ट नहीं इसके ऊपर, डार्क नाइट हो, फॉग हो, और एंटी स्मोक भी जी काम करती है। यह आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड है फॉर द लॉन्ग रेंज सर्विलेंस, जो आपका सुकोईज फाइटर्स, आपका रुस्तम एयरक्राफ्ट्स, आपका क्वाडकॉप्टर्स, उन सब के ऊपर आपके लग जाते हैं। ऑल्सो ये आपका फॉर द लॉन्ग रेंज सर्विलेंस, जो लॉरास्ट अपने टिपिकल जो अभी तक प्रोक्योर हो रहे थे उसकी जगह भी आपका ये आपका काम कर देते हैं। इसमें आपका डे सेंसर रहता है, एक HD MWIR आपका थर्मल इमेजिंग रहता है, इसके अंदर आपका स्वर सेंसर रहता है, लेज़र रेंज फाइंडर, लेज़र डेजिग्नेटर, और एवरीथिंग इन वन सिंगल आपका एरोडायनेमिक हाउसिंग रहती है। बेस्ट थिंग अबाउट दिस, इसके ऊपर आपकी आइसिंग इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ये आपका इसकी मोटर जो आपके लो एल्टीट्यूड्स में भी, जब आपका हायर एल्टीट्यूड्स और लो टेम्परेचर्स में डिप्लॉय होती है तो आपका उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। प्लस ये सिंगल बॉडी है आपका, तो पूरा का पूरा आपके इसमें कोई हार्ड अलाइंड रहते हैं सारे सेंसर्स, और इसमें आपको जो आपका ऑपरेशन टाइम होता है और इसको आपको सेटअप टाइम रहता है वो सबसे कम रहता है। पहले लॉरास जितने आते थे वो उसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लगते थे, इसमें आपका 10 मिनट में आपका पूरा का पूरा लॉरास आपका तैयार रहता है चलने के लिए। दिस इज़ जसमिंदर फ्रॉम टॉनबो इमेजिंग, हैंडलिंग दी टेक्निकल सेल्स फॉर टॉनबो इमेजिंग इंडिया। सो दिस इज़ दी एडवांस्ड पैनोरामिक नाइट विजन गॉगल्स दैट वी हैव जस्ट deliver to NSG. The special thing about these goggles are the field of view of these goggles is more than the horizontal field of view is more than 100 degrees. So apparently till now the conventional night vision monoculars and binoculars that the army and the special forces have procured, everything was covering only 40 degrees at a glance, but with this panoramic 4 tubes are synced and the cumulative field of view that the user is getting is 100 degrees. This is very crucial in terms of CQB operations and room clearing operations, in which the jawan can cover the whole room in less than 2 seconds, which earlier he used to take around 4 to 7 seconds. So every second in a room intervention in a CQB is very critical. So that is why in the Osama operations also the SEALs were wearing the similar kind of a concept, which was procured from L3, and this in Tonbo we have developed now. It is complying to the class 1 IDDM Make in India 50%, and these systems we have just delivered now to NSG, and we are
pitching it to the other special forces also, the same equipment. Second product.